सो राम राम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड लाइक ऑलवेज। तो ठीक ठाक सब कुछ। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, पार्ट टाइम जॉब्स इन जर्मनी बर्लिन, तो आज उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और इसमें बताऊँगा कि किस प्रकार से आप, किस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस हिसाब से आप जॉब्स का पता कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जब आप आते हो इंडिया से, यहाँ पर वीज़ा, चाहे प्राइवेट में आओ चाहे पब्लिक में आओ, चाहे आप जिस मर्जी वीज़े पे आओ, मतलब कि स्टडी स्टूडेंट वीज़े पे आते हो, तो आपको ओनली मिलता है वो 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का वीज़ा। 3 मंथ का वीज़ा मिलता है आपको, ठीक है, उसके वीज़े पे आप आते हो। तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है जॉब मिलने में, क्योंकि जब आप यहाँ पे एक्सटेंड कराते हो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सटेंड करवाने के बाद आपके वीज़े पे लिखा होता है कि 120 फुल डे एंड 240 हाफ डे, ऐसा कुछ लिखा होता है कि वर्क करने की परमिशन है इसको इतने आवर्स। और इसमें आप स्टडी के दौरान भी जो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और आपके जब वीक चलते हैं, मतलब कि आपकी छुट्टी होती है या आप जब ड्रॉप लेते हो थोड़ा 1 महीने 2 महीने में, उसमें आप में फुल डेज कर सकते हो, उसके अलावा आप स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो सबसे मेन थिंग है जो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है और कैसे मिलेंगी, वो सब बताता हूँ, और किस प्रकार की पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे बर्लिन में और जर्मनी का भी ऐसा ही हिसाब है। सो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है पार्ट टाइम जॉब के लिए, वो एनमेल्डुम एक हिसाब से आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होती है और एकोमोडेशन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए एक एकोमोडेशन, आपके जो ओनर सब कुछ आपका एड्रेस हो जाता है जिसके अंदर कि हाँ आप इस घर में, इस एकोमोडेशन, इस अपार्टमेंट में रहते हो, आपको वो परमानेंट एड्रेस हो जाता है, ठीक है। वो एड्रेस के बाद आपकी होती है सिटी रजिस्ट्रेशन, जैसे कि बर्लिन में हूँ, मेरी बर्लिन की सिटी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो इस प्रकार से आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी। सो इस प्रकार से आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, और उसके बाद मतलब कि आपकी एकोमोडेशन रजिस्ट्रेशन होगी, आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस 2 प्रकार से होते हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक में मैं करूँगा कि पब्लिक में मैं ज़्यादा वो करूँगा कि आप पब्लिक में का हेल्थ इंश्योरेंस लें। एक तो उसमें यार कोई इशू नहीं होता बाद में जाके कि क्लेम का ये वो, पब्लिक में थोड़ा बहुत होता है, बट पब्लिक बेस्ट है आपके लिए। पब्लिक में लो हेल्थ इंश्योरेंस, आपका एनमेल्डुम हो जाएगी और हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, और बैंक अकाउंट आपका जब ही ओपन होगा, जब आपकी यहाँ पर एकोमोडेशन होगी, जब आपके पास कोई परमानेंट एड्रेस होगा, उसी के बाद आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके आपको आप अप्लाई कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब के लिए, या पता कर सकते हो, या आप कहीं पर भी आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो आप, ठीक है। ये मेन थिंग हो गई। और अब मैं बात करता हूँ कि जो एनमेल्डुम के बाद आपको जो मतलब कि सिटीजेशन ये सब होने के बाद आपको मेल आ जाएगी, एक सिक्योरिटी नंबर आ जाएगा उसके अंदर, और आपका टैक्स नंबर आ जाएगा, सिक्योरिटी चेकअप का नंबर आ जाएगा और टैक्स नंबर आ जाएगा कि मंथ में आपको कितना टैक्स है, ये वो वगैरह, टैक्स का ये सब इशू, मतलब कि जो भी चीज़ है ये सब आ जाएगा आपको, टैक्स नंबर वगैरह वगैरह। और यहाँ पर भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट वाली थिंग है कि यहाँ पर हर एक चीज़ मेल के द्वारा, मतलब कि मेल डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, और एड्रेस सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मेल सप्लाईज होती है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा इधर उधर जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आता है तो आपके मेल में आएगा वो, मतलब कि जो एड्रेस होगा उसके पास वहाँ पर आएगा आपके एड्रेस पर, ठीक है। और अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ र्यूमर के बारे में, जो र्यूमर फैला रहे हैं यार जर्मनी है, डॉयचलैंड है, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, जॉब्स नहीं मिलेगी, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलेंगी, चाहे प्राइवेट में आ रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिलेगी क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट में भी आप साइड बाई अपनी लैंग्वेज करते रहते हो। हाँ, ये मानता हूँ मैं कि लैंग्वेज एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी यार इंग्लिश में आके। पार्ट टाइम जॉब करते हैं, प्राइवेट वाले भी करते हैं, पब्लिक वाले भी करते हैं, जो पब्लिक में हैं यहाँ पे।
ठीक है। और लैंग्वेज का फ़र्क इतना पड़ता है कि यार आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है और आप यहाँ पर थोड़ा सा अर्निंग थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो उससे। अर्निंग इस हिसाब से, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में वर्क करते हो आप एज अ वेटर और आपको इंग्लिश आती है, तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा कम पे करेगा। अगर आपको लैंग्वेज अच्छी आती होगी और आपका एक्सपीरियंस भी सही, मतलब कि आप काम करोगे वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो आपकी पे अच्छी रहेगी। लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लैंग्वेज प्लस पॉइंट है। तो ये ख्याल नहीं निकाल दो मन से कि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब आप नहीं कर सकते अगर इंग्लिश में आ रहे हो, ठीक है। तो अब ये बात होगी एनमेल्डिंग होगी, सिट रजिस्ट्रेशन होगी, अकाउंट की बात होगी, हेल्थ इंश्योरेंस की बात होगी, आप ये लेके आपके पास आप कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको आपके पार्ट टाइम मतलब हाफ डे और फुल डे के बारे में। फुल डे में आप ये कि 40 आवर्स इन अ वीक कर सकते हो और हाफ डे में आप 20 आवर्स पर वीक कर सकते हो, ठीक है। 20 घंटे आप कर सकते हो एक वीक में और 40 घंटे कर सकते हो आप फुल एक वीक में, फुल डे वर्किंग में जब आपका हो जाएगा 120 डेज में, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब करते हो, साल में करते हो, अपनी स्टडीज़ के दौरान करते हो, किस हिसाब से आप मैनेज करते हो, ठीक है। ये बात होगी आपकी इसके बारे में। तो अब मैं बात करता हूँ पार्ट टाइम जॉब्स किस प्रकार की हैं यहाँ पर, किस प्रकार से पे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा रेस्टोरेंट्स के बारे में, फास्ट फूड इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। रेस्टोरेंट में आपको पे मिलती है, ठीक पे मिलती है, यहाँ पे उसमें अच्छी मिलती है, 10-11 यूरो के आसपास। बर्लिन की बात करूँ 10-11 यूरो के पास पड़ती है, टैक्स के मिला 9-10 यूरो तक आप कमा लेते हो उसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपको मतलब कि एज एन कुक भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, वेटर का काम करना चाहो, जो मर्जी आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो आप वहाँ पर सीधा ओनर से मैनेजर से बात ओनर से बात कर सकते हो कि ये अपनी CV छोड़ सकते हो, अच्छा लगता है तो वो आपको बुला लेंगे, ठीक है। ये बात होगी रेस्टोरेंट और फास्ट फूड इन चीज़ों के बारे में किस प्रकार से इनकी पे मैंने बता दिया। उसके बाद आती है थोड़ी मतलब कि डिलीवरी जॉब्स होगी। जैसे डिलीवरी जॉब्स में यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप साइकिल से डिलीवरी कर सकते हो या आपके पास जो भी आपके पास जो भी व्हीकल है, ऑटो है, ऑटो बोलते हैं यहाँ पे वाहन को यार, व्हीकल को यहाँ पे ऑटो बोलते हैं, ऑटो जोन सभी आपके पास यहाँ पर जो भी व्हीकल है आपके पास, साइकिल हो कुछ भी हो, उस पर आप डिलीवरी कर सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे देंगे वो, उसमें आप जाके डिलीवरी कर सकते हो। और इसमें सबसे बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको सर मतलब कि जॉब की अर्निंग के साथ साथ आपको टिप्स भी अच्छी मिलती हैं, टिप्स मिल जाती हैं, और इसमें भी अच्छी आपकी पे मिलती है, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँगा जैसे मॉल्स की वगैरह में रिटेल की शॉप हो गई, जैसे शोरूम्स हो गए इस प्रकार की, यहाँ पर लोग आते हैं मतलब कि वो ख़राब कर देते हैं, मतलब छोटे को जो उन्होंने बनाया होता है वहाँ पे, मतलब तय ख़राब कर देते हैं कपड़ों की, मतलब स्टाइल मतलब या समझ रहे हो ना, वो मतलब कि जिस खाने में उन्होंने अपने यार लटकाए होते हैं कपड़े, वो ख़राब हो जाते हैं, कई बार चेंज करते हैं, वो ठीक ठाक करने की मतलब कि सही तरीके से लगा दिया आपने, जिस प्रकार से था उस प्रकार से लगा दिया, उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है, उसमें भी ठीक ठाक पे मिल जाती है, आपको इतनी इश्यू नहीं और इतना भारी काम नहीं है। ये जो तीनों कैटेगरी बताई इसमें कोई भारी काम नहीं है, ठीक ठाक काम है, आप इजीली कर सकते हैं एज एन स्टूडेंट, ओके। पे भी ठीक ठाक मिलती है और इनके कंपैरिजन में आपको डिलीवरी वाली में थोड़ी अच्छी पे मिलती है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ वो वेयर हाउसेज की जॉब्स होती हैं, जैसे कि अमेजोन वगैरह में आप जॉब करते हो। एक तो इसका अच्छा पॉइंट है इसमें कि आपको पे अच्छी मिलती है, और इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको भारी काम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत भारी काम करना पड़ता है। अब इसमें थोड़ा बहुत भारी काम करना पड़ता है और इसी के हिसाब से आपको पे भी अच्छी मिलती है। इसमें आप 12-13 यूरो तक जा सकते हो, 12-13 यूरो इसमें ईजिली अर्न कर सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है म्यूनिक में 14-15 यूरो या मेरे हिसाब से 15 यूरो तक वो अर्न करता है अमेजोन में, ठीक है। और रेस्टोरेंट में आपकी जॉब्स में जैसे कि फास्ट फूड में ये आ जाता है KFC, मैकडोनल्ड, इस हिसाब से रेस्टोरेंट आते हैं, ठीक है। और इनमें अमेजोन वगैरह में आपको जॉब मिल जाती है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सही भी अपनी दे सकते हो। इस प्रकार से आपकी ये जॉब्स होगी और इसमें आपकी पे अच्छी होती है इन सभी जॉब्स के मुकाबले। और उसके बाद एंड में मैं बात करता हूँ क्लीनिंग्स की जॉब की, जिससे बहुत कतराते हैं यार स्टूडेंट, एज एन स्टूडेंट समझ सकता हूँ, क्योंकि यार इंडिया से आते हैं जो मतलब कि रेपुटेशन भी थोड़ा फील होता है यार, मन में थोड़ा होता है ये कि यार मैं यहाँ पर ये वर्क करना,
लेकिन जो बंदा यहाँ पर ये सोच के आता है भाई अपना ये करना वो करना काम कर वगैरह चलाना ही है यार, तो वो कर ही लेता है यार। इसमें पे भी आपकी अच्छी मिलती है, और इसमें मतलब कि आप क्या ही बताऊँ, क्लीनिंग है तो आप समझ गए हो। इसमें आप क्लीनिंग कर सकते हो, जैसे कि मॉल्स वगैरह में, मतलब कि वो प्रेपर टाइप साफ करते मशीन से होती है, उससे मतलब कि फर्श साफ कर दिया, या किधर क्लीनिंग की जॉब होगी, इस प्रकार से क्लीनिंग जॉब में ये सब कुछ है, ठीक है। इस प्रकार से जॉब्स है, और इन सब में आपको चाहिए भाई एक उसमें सिटी रजिस्ट्रेशन, एकोमोडेशन रजिस्ट्रेशन, और एक चाहिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस और अकाउंट आपका ओपन होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी। हेल्थ इंश्योरेंस आप जब यहाँ पे आ जाते हो तो आप मतलब कि ले सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस, और पब्लिक का लो तो बहुत अच्छा है, प्राइवेट लो भी ठीक ठाक है, लेकिन पब्लिक का लो भी बहुत अच्छा पड़ेगा आपको। इस प्रकार से आपका ये हो गया सब कुछ। और कुछ क्वेरीज हो पार्ट टाइम जॉब के रिगार्डिंग तो मैसेज में, और ये सब मैंने बताया बर्लिन के बारे में, और मतलब होल जर्मनी में किस प्रकार से होता है सब कुछ, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे सजेस्ट करना या क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा आपको। और हाँ, इसमें ये चीज़ मैंने बताई है जब आपको कि आप जब आते हो थोड़ा 3 मंथ के वीज़े पे आते हो, 6 मंथ के वीज़े पे आते हो, उस पर यार ये नहीं है कि काम उस पर भी करते हैं लोग, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि यार शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है वो, मतलब थोड़ा उसके बाद एक्सटेंशन के बाद आपको प्रॉपर लिखा होता है कि यहाँ पे वीज़ा होता है, मतलब कि यहाँ प्रॉपर लिखा होता है कि 120 मतलब कि फुल डेज और 240 डेज हाफ डे आपको परमिशन है वर्क करने के, जब आपको वर्क राइट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो, अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो। सो ठीक है भैया, आपसे तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के बाद। सजेस्ट कर दो मुझे यहाँ पर कमेंट में, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, और कुछ अगर कुछ बचा है अभी भी तो देन टेल मी क्या रह चुका है। तो चलो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को दिस वीडियो को एंड। सो आई होप सबको अच्छी वीडियो लगी हो, आई होप। ओके, तो मिलता हूँ फिर, राम राम।